Hello everyone, today we are going to solve question number 2.11 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandrov and Sedico. इस क्वेश्चन के अंदर हमें V1 और V2 को फाइंड करना है, जो कि V1 यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है और यहाँ पर V2 को मेंशन किया गया है। ये सवाल सॉल्व होगा KVL के थ्रू। प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था KCL के थ्रू, तो इसको हम KVL के थ्रू वोल्टेजेस मालूम करेंगे। हमें पता है KVL क्या कहता है। KVL की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ सिंगल लूप आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे कितने लूप्स हैं। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक लूप वन है और यहाँ पर ये एक लूप टू है। अगर देखें तो हमें V1 देखें कि यह माइनस का है, माइनस V1 प्लस V1 यानी कि जो V दिया है 1 वोल्ट, फिर उसके बाद प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर। तो माइनस V1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 के बराबर होगा। 6 माइनस माइनस कैंसिल, V1 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। और लूप 2 के पास देखें, अगर V2 को फाइंड करने के लिए तो माइनस माइनस 5 प्लस 2 वोल्ट प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। अगर जब हम इन दो को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास V2 इज इक्वल्स टू 3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व है। इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं मालूम करना था, V1 और V2 को फाइंड करना था जो को इस गिवन डायग्राम में दिया हुआ है, और KVL के थ्रू किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू हमने V1 और V2 को फाइंड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेडल ऑफ थैंक्स।